नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक बार फिर फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां फेसबुक पर मुस्लिम समुदाय को अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सीओ सदर को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं सीओ सदर श्रीकांत प्रजापति ने बताया कि प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गया है, अभियोग पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसने कल रात एक पोस्ट डाली है कि मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए, कि एक समाज के प्रति कि ये लोग लड़कियां रखते हैं इस तरह के, मतलब बहुत ही अभद्र और अशोभनीय पोस्ट थी, जिससे हमारे मुस्लिम समाज में काफ़ी इसमें गहरा रोष है। उसके लिए हम लोग आए, सीओ साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने मुकदमा पंजीकृत करने के लिए कोतवाल साहब को बुलाया और आदेश भी दिया है मुकदमा पंजीकृत करने के लिए। संज्ञान में आया कि किसी के कुलदीप यादव करके हैं, जिनकी फेसबुक के आईडी से एक मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। इनके द्वारा जो तहरीर दिया गया है, जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, उसमें जांच भी लिया गया है। साथ में इनके द्वारा जो शिकायत दर्ज कराई जा रही है, उस पर अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की गई। कन्नौज से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक बैंक घोटाला सामने आया है, जिसमें सिंहपुरा कैनरा बैंक में गोल्ड लोन के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कैनरा बैंक के पूर्व मैनेजर के साथ मिलकर इस आरोपी ने गोल्ड लोन का घोटाला किया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच करते हुए पकड़े गए आरोपी के साथ पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं पुलिस इस घोटाले में शामिल और लोगों की तलाश में जुट गई है। बता दें कि आरबीआई के इंटरनल ऑडिट टीम की जांच में इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था, जिसमें 162 गोल्ड लोन खाताधारकों की जांच में 49 खातों में नकली सोना निकला था। गोल्ड लोन का घोटाला के संदर्भ में कुछ ग्रामीणों द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, उसी के तहत पुलिस ने तत्काल जाँच करके मुकदमा पंजीकृत किया। पंजीकृत करने के बाद में जब इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करी, तो उसमें एक चीज़ निकल के आई कि जो बैंक मैनेजर साहब हैं और साथ ही साथ उनके साथ एक वैल्यूअर जो कि एक ज्वेलर हैं, उनके द्वारा ये जो गोल्ड लोन का घोटाला था किया था। पुलिस ने तत्काल इन्वेस्टिगेशन करी, जो इसका मास्टरमाइंड था राहुल उर्फ भोले, उसको पकड़ लिया गया। कासगंज से सौरभ यादव की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का, बने रहे नेशन वन के साथ। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। देन आई फाउंड manglik.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1,00,000 से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और manglik.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on manglik.com, use promo code nation1। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मेजा खास में ग्राम प्रधान के जरिए सरकारी जमीन पर कब्जा करने का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया। प्रधान ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर युवक की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित युवक ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके विरोध में पीड़ित युवक ने ग्रामीणों के साथ मिलकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। धारदार हथियार से दौड़ा दौड़ा कर सड़क पर पीटा गया साहब, खुलेआम गुंडागर्दी हमारे साथ की गई। हम बीते पंचायत चुनाव में प्रधान की उम्मीदवार थी हमारी औरत, हम चुनाव हार गए और वो चुनाव जीत गए। इसी रंजिश में हम उनको गलत कामों का विरोध करते हैं, इसलिए हमको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और लाठी डंडे और हथियारों से तमाम तरीके के औजार से हमको मारा पीटा गया। इलाहाबाद से एलन सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सिंगरौली के भ्रमण पर आए रेलवे के हाजीपुर महाप्रबंधक एवं धनबाद DRM को कांग्रेस कमेटी ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर अमित द्विवेदी, महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी, ने कहा कि सिंगरौली से भोपाल एवं दिल्ली की साप्ताहिक ट्रेन को प्रतिदिन किया जाए। सिंगरौली क्षेत्र में पूरे देश के लोग यहाँ निवासरत हैं, ऐसे में रात्रिकालीन भोपाल एवं दिल्ली के प्रतिदिन की ट्रेन की सेवा आवश्यक रूप से शुरू करनी चाहिए। वहीं रेलवे विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा की गई, जिसके बाद DRM ने समस्याओं को सुनकर निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे नेशन वन के साथ। नमस्कार।